सो गाइस कैसे हो। अब यार आज की इस वाली वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं BGMI अनबैंड के बारे में। गाइस काफ़ी पॉजिटिव अपडेट निकल के आ चुकी है एंड उसी के अलावा गाइस यहां पे आज ही के दिन एक क्लिप वायरल हो रही है, यहां पे आप देख सकते हो। ये शायद आपने उससे पहले भी देख ली होगी बट इसमें 22 अगस्त का दावा किया जा रहा है कि BGMI आ जाएगा। तो गाइस इस क्लिप का क्या है सीन, उसके अलावा गाइस RP परचेस कर सकते हैं, ठीक है। रॉयल पास अनलॉक हो चुका है, जो ग्लिच आउट था क्राफ्टन ऑफिशियल ने वो चीज फिक्स कर दी है। एंड उसी के अलावा जिन्होंने भी आरपी परचेस किया है उसे ट्रिक से, तो क्या उनकी आईडी बैन होगी या फिर नहीं होगी एंड यूसी परचेस कब होगी, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर करने वाला हूं, वीडियो एक नंबर रहने वाला है। सो प्लीज गाइस इस वाली वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। अब चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। अब गाइस पहली तो बात कर लेते हैं BGMI अनबैंड के बारे में, ठीक है भाई। काफी पॉजिटिव अपडेट निकल के आ चुका है। अब गाइस कुछ टाइम पहले हमको ही कुछ इंटरनली पता चला था कि BGMI के सर्वर वगैरह डाउन होने वाले हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे RP वगैरह परचेस नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, बट यार आज के दिन फाइनली क्राफ्टन ऑफिशियल ने उस चीज को फिक्स कर दिया है, ठीक है। और गाइस मैंने आपको बोला था वो ट्रिक अपनाने से पहले कि 5 दिन बस आपको वेट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि क्या पता क्राफ्टन ऑफिशियल खुद चीज इसको फिक्स कर दे। तो फाइनली वो चीज ऐसी ही हुई एंड RP अपन परचेस कर सकते हैं, ठीक है। अब गाइस क्या चीजें हुई है गवर्नमेंट और क्राफ्टन के बीच में, मैं क्लियर एंड कट बताऊं तो कल के दिन अपडेट निकल के आया है इंटरनली की बातें पॉजिटिव गई है गवर्नमेंट और क्राफ्टन की उस मीटिंग के अंदर, ठीक है। बात वगैरह चीत हुई होगी उनके साथ गवर्नमेंट की और कुछ पॉजिटिव अपडेट निकल के आया होगा, तभी आज उन्होंने इस चीज को फिक्स किया है, ठीक है। अब गाइस यहां पे RP वगैरह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है गेम के अंदर, और यहां पे अल्टीमेट सेट में अभी भी भाई यहां पे क्या था, ग्लिच आउट था, ठीक है। अब वहाँ पे उन्होंने इन दो चीज़ों को फिक्स किया। पहले क्या भाई, मतलब हर जगह पे ये चीज़ आ रही थी कि बहुत ही जल्द सर्वर डाउन होने वाले हैं BGMI के, तो BGMI खुद ने ही इस चीज़ को कहा कि अब RP परचेस अपन लॉक करने वाले हैं एंड जो कोई भी अगर न्यू स्पिन आता है तो उस पर भी वो नहीं कर पाएंगे एंड UC तो ऑलरेडी अपन परचेस ही नहीं कर सकते। तो कुल मिला के क्राफ्टन का सीधा यही कहना था कि अभी फिलहाल कोई भी मतलब UC वगैरह डाले ना, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे बंदों ने UC डाल दिए हैं और अगर BGMI बैन वगैरह होता है तो उनका भाई बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है। इसलिए अभी भाई कुछ चीजें थी वो होल्ड पे थी, इसके कारण ही RP अटका हुआ था एंड जो न्यू बेला वाला सेट था तो उस पे भी अपन पहन नहीं सकते थे, ठीक है, और UC तो ऐड ही नहीं हो रही है। बट गाइस आज के दिन वो चीज फाइनली फिक्स हो चुकी है, अपन RP भी परचेस कर सकते हैं भाई, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, एंड बस UC ऐड नहीं कर सकते। उसके बारे में क्या सीन है मैं आपको बताता हूं। अब गाइस यहां पे इंटरनली अपडेट निकल के आया है कि भाई बहुत ही पॉजिटिव चीजें गई है, इसके कारण ही RP वगैरह अनलॉक किए गए हैं, ठीक है। और यार बहुत ही जल्द अपन को एक पॉजिटिव अपडेट देखने को मिल जाएगी, इसी मंथ के लास्ट वाले दिनों में अपन को कुछ न कुछ अपडेट जानने को मिल जाएगी जो हमारे लिए बहुत ही सही रहेगी, ठीक है। एंड BGMI प्ले स्टोर पे आने में थोड़ा टाइम लगने वाला है, ठीक है। एंड उसी के अलावा गाइस ये वाला क्लिप आप देख लो, इसमें 22 अगस्त का दावा किया जा रहा है एंड BGMI की ऑफिशियल साइट है, ठीक है। यहां पे आप ध्यान से देख सकते हो, कोई भी एडिटेड वगैरह नहीं लग रहा है। बट गाइस मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये भाई कंप्लीटली फेक है। PC के अंदर फीचर्स रहता है कि अपन साइट के अंदर मतलब अपने टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, उसे एडिट कर सकते हैं, तो वही सीन हुआ है PC के अंदर। ये चीज बहुत ही ज्यादा भाई इजी है एडिट करना और उसके बाद अपना अलग से पेज बन जाता है और वो कुछ ऐसा ही दिखाता है, ठीक है। तो गाइस ये कंप्लीटली फेक है और इसी वाले वीडियो के अंदर जो भी बंदा ये डाल रहा है तो उसने क्या कहा है कि भाई ये BGMI ने मतलब कुछ ही मिनट रखा और उसके बाद डिलीट कर दिया। तो गाइस ऐसा नहीं है भाई, कंप्लीटली फेक है, ये चीजें पहले हुई थी और अभी भी हो रही है। PC के अंदर बहुत ही ज्यादा इजी है किसी भी साइट को एडिट करना, ठीक है, उसके बाद अलग से वो पेज क्रिएट हो जाता है और वो अपन को शो होता है वहीं सेम फॉन्ट के अंदर। अब गाइस बात कर लेते हैं कि जिन्होंने भी उस ट्रिक से RP परचेस किया है तो क्या वो मतलब उसकी आईडी वगैरह बैन होगी या फिर नहीं होगी, क्या सीन है उसके बारे में, ठीक है। एंड यहां तक आप वीडियो देख रहे हो तो भाई प्लीज ध्यान से देखना है, ठीक है, जो हमने वीडियो बनाई थी ट्रिक वगैरह मैंने आपको बताई थी, सभी क्रिएटर ने आपको वो चीज बताई थी, ठीक है। तो उसके बाद कई सारे ऐसे चमन यूट्यूबर्स जो भाई कूल दिखने के चक्कर में उस ट्रिक का भाई ऐसे बोल रहे थे कि भाई कई लोगों का अकाउंट बैन हो रहा है और धीरे धीरे करके लाखों लोगों के अकाउंट बैन हो जाएंगे, जबकि गाइस अब तक एक भी बंदे का अकाउंट उस ट्रिक से बैन नहीं हुआ है। एंड उसी के अलावा यहाँ पे कई सारों को ये कंफ्यूजन होगी और कई सारे लोग भी ये भी कवर कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे देखो सभी का अकाउंट बैन होने लगा और सभी ने वीडियो रिमूव कर दी। तो गाइस यहाँ पे भाई
भाई ये अलग ही बात है, ठीक है। यहाँ पे वीडियो सभी ने क्यों रिमूव की है, क्योंकि यहाँ पे टेंसेंट भाई इस चीज पे अंधी स्ट्राइक पहल सकता है, ठीक है। एंड गाइस उस वाली वीडियो के बाद मेरे को बहुत ही ज्यादा हेट मिलने को लगा कि भाई कमेंट्स आने लगे कि अगर आईडी बैन वगैरह हुई तो क्या तेरा ये अनबैन करके दिखाएगा, ये अनबैन करके दिखाएगा। तो गाइस प्लीज वीडियो कोई भी मैं बना रहा हूँ ना तो उसको पूरा देखा करो, मेरे पास वो ओल्ड वाला वीडियो पड़ा है और उसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या क्या बोला है ध्यान से सुनना, और यहाँ पे मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी यार आप यहाँ पे थोड़ा कुछ वेट कर लो, ठीक है। यहाँ पे 5 दिन बस वेट कर लो, क्योंकि अगर आईडीज बैन होनी होगी तो 5 दिन के अंदर हो जाएगी। यहाँ पे आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो गाइस इस चीज़ को ध्यान से सुनना भाई, बस 5 दिन का वेट करना है, ठीक है। 5 दिन में अपन को सब पता चल जाएगा जिन्होंने भी आरपी परचेस किया है, और मैंने भी किया है मेरी फ्रेंड की आईडी में आपने देखा, तो यहाँ पे भाई उनकी भी आईडी अगर बैन होती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। और गाइस क्या पता बहुत ही जल्द क्राफ्टन वाले इस चीज को फिक्स कर दे 5 दिन के अंदर, मतलब वो अपन गेम के ही अंदर बिना कोई छेड़खानी के आरपी परचेस कर सकें जैसे कि पहले करते थे, ठीक है। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये चीज फिक्स होती है तो गाइस बहुत ही ज्यादा सही है, क्राफ्टन ऑफिशियल से अपन परचेस कर लेंगे आरपी। एंड उसी के अलावा नहीं होती तो गाइस मैं अपनी एक्चुअल आईडी के अंदर भाई आरपी परचेस करूंगा इसी ट्रिक से, ठीक है। क्योंकि 5 दिन के अंदर अपन को सब पता चल जाएगा कि क्या क्या सीन है, और मैं आपके सामने आऊंगा। और आई बात कि उनकी आईडी बैन होगी जिन्होंने उस ट्रिक से आरपी परचेस की थी, तो गाइस ऐसा कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है, किसी भी एक भी बंदे की वहां से भाई बैन नहीं हुई है, ठीक है। और मैंने उसी वाली वीडियो के अंदर बोला था कि भाई अगर आपको ट्रिक को अप्लाई करना है तो ध्यान से वीडियो को देखना है, ठीक है। अगर एक बारी में ट्रिक वर्क नहीं करती तो दूसरी बार आपको उस ट्रिक को अप्लाई नहीं करना है भाई, सारी चीजें क्लियर आउट होने के बाद भी हेट क्यों। तो गाइस क्या ही करे, जिनका काम है हेट देना तो वो भाई उनका तो अब क्या ही कर सकते हैं, कि हमारे यहाँ सपोर्टर की कमी नहीं है, ठीक है। जिन्होंने भी भाई यहाँ पे सब्सक्राइब वगैरह किया है भाई वो वाले वीडियो के बाद, कई सारे ऐसे भी भाई लोग थे जिन्होंने कमेंट किया था कि यार कितने आप अच्छे से क्लियर कर रहे हो, और भाई मतलब 5 दिन का वेट करने को कह रहे हो और सारी चीजें कह रहे हो, तो गाइस वही सीन हुआ, ठीक है। 5 दिन के बाद यहाँ पे देखो 3 दिन के ही अंदर क्राफ्टन ने ऑफिशियली उस चीज को अनलॉक कर दिया, ठीक है। आरपी परचेस कर सकते हो। एंड आई बात यूसी परचेस, तो गाइस यहाँ पे ये भी बहुत जल्द फिक्स हो जाएगा, यूसी परचेस होंगी, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा बट बहुत ही जल्द, इतना भी टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि यार यहाँ पे यूसी परचेस पे क्राफ्टन खुद ऑफिशियल ने बैन लगाया है, ठीक है। कई सारे लोगों ने इसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करके रखा है, मतलब बहुत सारे यूसी वगैरह डाल के रखे हैं, तो इतने सारे पैसे बर्बाद होने, तो अभी यार इस चीज को बंद किया जाए क्योंकि अभी मामला गर्म चल रहा है, ठीक है भाई। बहुत सारी ऐसी बातें चल रही थी कि सर्वर वगैरह डाउन होने वाले हैं, बट फाइनली गाइस आज के दिन अपन को एक पॉजिटिव हिंट देखने को मिला कि आरपी परचेस हो रही है, एंड दूसरी भी सारी चीजें जो पहले नहीं हो रही थी वो अपन को सो हो रही है, ठीक है। एंड कल की भाई बातचीत के अंदर भी पॉजिटिव बातें निकल के आई है कि बीजीएमआई बहुत ही जल्द अनबैन होगा, प्ले स्टोर पे भी अपन को देखने को मिलेगा, बट उस चीज में टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम टेकिंग थोड़ी सी प्रोसेस रहने वाली है, बट यहाँ पे यूसी परचेस तो बहुत ही जल्द यहाँ पे अनलॉक की जाएगी, ठीक है। तो गाइस अगर कुछ भी आता है, कुछ भी अपडेट वगैरह निकल के आती है तो मैं आपको 100% बता दूंगा। एंड आई बात आरपी गिवे की, तो गाइस यहाँ पे 2 भाइयों को भी आरपी देनी है और यहाँ पे निकालेंगे गिवे वगैरह और भी, तो यहाँ पे मतलब यूसी वगैरह अनलॉक होती है परचेस कर पाएंगे, तो वो अपन उसके बाद से अपन ये सारी चीजें रखने वाले हैं, ठीक है। बाकी विनर्स वगैरह निकाल लेंगे, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, पार्टिसिपेट कर लेना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड प्लीज लाइक कर देना है और कमेंट भी आप कर सकती हो। बाकी तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में यही था, तुम्हारा तुमसे मिलता है नेक्स्ट वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ वापिस।